खबर उत्तर प्रदेश बिजनौर से। बिजनौर में इन दिनों गुलदार के खौफ के मारे लोगों का जीना मोहाल हो चला है। गुलदार की दहशत के मारे खेत खलियान से लेकर गांव तक की सड़कों पर शाम ढलते ही सन्नाटा पसरा है। हर रोज गुलदार शिकार की तलाश में घूमता फिरता नजर आ रहा है। दर्जनों गुलदार के हमले से हुई लोगों की मौत से लखनऊ तक गूंज है। वन विभाग के कई अफसर व कर्मचारियों ने जंगल में डेरा डाल दिया है। ग्रामीणों को सुरक्षा के लिहाज से लाउड स्पीकर के जरिए सतर्क किया जा रहा है। साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। बिजनौर के कुलचाना गांव की तस्वीर, जहां पर अभी हाल ही में गुलदार के हमले से चार लोगों की जान जा चुकी है। यूं तो गुलदार के हमले से जनपद बिजनौर में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुलदार के हमले से मौत का आंकड़ा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह कि अब वन विभाग के अफसर रात के अंधेरे में ग्रामीणों की सुरक्षा कर रहे हैं। ग्रामीणों को लाउड स्पीकर के जरिए वन विभाग सतर्क कर रहा है। गुलदार के जहां जहां चहलकदमी दिख रही, वन विभाग के पिंजरे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी ईक के इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वन विभाग के रेंजर की माने तो रोजाना शाम 6 बजे वन विभाग के जवान जंगलों में पेट्रोलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। जी भाई साहब, रात में आप यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं गुलदार को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना है या क्या आप कैसा लगता है आपको? ये एक्चुअली यहाँ गुलदार की जो है प्रेजेंस है और हम 6 से 6:30 से 10 बजे 11 बजे तक हमारे जवान जो है पेट्रोलिंग करते हैं और गुलदार की ट्रैकिंग करते हैं, जिससे जो है आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। अभी यहाँ पर एक हमला भी किया था गुलदार ने, वो कब का मामला है क्या? ये 23 अगस्त का मामला है। यहाँ से थोड़ा हमारे पीछे ही वो इंसिडेंट हुई थी जिसमें गुलदार के जो है वो उसको मार दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।